नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। फिलहाल मैं मौजूद हूं गोराडी प्रखंड के खुटाहा ग्राम पंचायत में। यहां पर हम बात करेंगे एक ऐसे प्रत्याशी से जो भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं और उसके बाद वो अपने गांव आकर गांव की कुछ सेवा करना चाहते हैं, गांव में कुछ विकास करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के मुखिया प्रत्याशी देवेंद्र कुमार जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी जज्बात थी जिसको लेकर कि आपने देश सेवा छोड़ा और ग्राम सेवा में आपने अपना कदम रखा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप सबसे पहले जो अहम सवाल है वो ये है कि आखिर ऐसी क्या बात आन पड़ी कि आपने नौकरी छोड़कर गांव को विकास के रास्ते पर अग्रसर करने का सोचा? जी, ये जो नौकरी छोड़ करके गांव का सेवा करने का जो मन बनाया वो मेरी मम्मी और मेरे पिताजी की वजह से हुआ। उनसे प्रेरणा मिली, उनको मैंने देखा था काफ़ी लंबे समय से समाज की सेवा में थे, जिसके कारण मुझे लगा कि उनका साथ देना चाहिए। बस यही एक बड़ा कारण है। ग्रामीण चुनाव में पिछले दो ढाई साल से राजनीतिक तैयारी की जा रही है, स्टंट किया जा रहा है और मैं भी चुनाव को लेकर काफी दिनों से ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहा हूं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई ऐसा प्रत्याशी हो जिसने सरकारी नौकरी छोड़ा हो और फिर ग्रामीण सेवा, गांव की सेवा करने के लिए वो आगे आया हो। आप पहले से प्रत्याशी हैं और मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ऐसे युवाओं की जरूरत है हमारे समाज में और हमारी जनता को भी वैसे ही प्रत्याशियों को अपना मत देना चाहिए जो गांव की विकास करने में अपना भागीदारी निभाएं। और दूसरा सवाल देवेंद्र भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पिछले कुछ वक्तों से गांव में हैं, लगातार आपने वीआरएस ले लिया, नौकरी छोड़ दी और गांव में हैं। अपने ढाई साल में, दो साल में क्या ऐसा देखा गांव में जिससे लग रहा है कि आपको यहां परिवर्तन की जरूरत है या इन इन चीज़ों के विकास की जरूरत है? कुछ ऐसे एक दो मुद्दे, कुछ ऐसे एक दो चीज़ जो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैंने बहुत कुछ देखा जिसमें मुख्य मुद्दों को मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैंने देखा कि इस क्षेत्र में अपराध का बोलबाला था, जिसे कम करने की कोशिश किया हूँ। दूसरा बात था कि भ्रष्टाचार बहुत चरम पे था, लूटपाट खुलेआम होता था यहाँ पे। राशन पानी, जो राशन है कई लोगों को, गरीबों तक पहुँचना चाहिए था, वो राशन जो है लोग खा जाया करते थे। महीना, एक महीना वितरण होता था, दूसरे महीना का साफ खा जाते थे। वो समय भी हमने देखा है, जिसमें काफ़ी सुधार किया है मैंने। रोड नाला कागजों पे बन जाया करता था, आज भी मैंने देखा है कई है ऐसे जो कागजों पे उठ चुका है पेमेंट, बट समय का इंतजार है।